हाय फ्रेंड्स, मैं सलीम नसीम मोटा वर्क साहब बनारस। फ्रेंड्स आए हमारे पास, ये देखिए पोलो है, इंजन दिखाओ। ये पोलो है 1.2, गाड़ी एक मिस्त्री भाई के यहाँ से आई है। गाड़ी में अभी इंजन बना हुआ है, तो मैं अभी दिखाता हूँ। मैं अभी गाड़ी का इंजन खोलूँगा, उसको फिर चेक करूँगा गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स चलिए गाड़ी को स्टार्ट कराते हैं और देखते हैं। स्टार्ट करो गाड़ी। फ्रेंड्स देखिए गाड़ी में यही आवाज़ है और गाड़ी एक्सलेट कर रही है। तो फ्रेंड्स पहले मैं गाड़ी का टाइमिंग चेक करूँगा और उसके बाद करता हूँ गाड़ी को चेक और करता हूँ गाड़ी को चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चेक करते हैं गाड़ी में दिक्कत क्या है। चलिए पहले गाड़ी में मैं गाड़ी का टाइमिंग चेक करूँ, उसके बाद खोलते हैं गाड़ी का हेड और देखते हैं गाड़ी में क्या दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देखिए, ये अभी वैक्यूम खोल रहे हैं हम, अभी पूरी टाइमिंग चेक करेंगे गाड़ी का, उसके बाद गाड़ी को टाइमिंग अगर सही रही तो फिर खोलेंगे गाड़ी का हेड। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल लो। घुमाओ, इंजन लॉक करो। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसकी ओरिजिनल पुलर है टाइमिंग की। मैं आपको इसको लोकेशन दिखा देता हूँ, ये नीचे पुली पे लगेगी और ये हमारा देखिए, ये यहाँ कैम पे लॉक होगा ए सेट और यहाँ पे पंप लॉक होगा। तो चलिए अभी हम इंजन घुमाते हैं। इंजन घुमाओ अभी, ये देखिए क्योंकि मुझे टाइमिंग पे ही डाउट हो रहा है, गाड़ी फुल एडवांस लग रही है। बस 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 रुको, हल्का सा उल्टा चलो। हल्का से आओ, चलो उल्टा सीधा चलो, हल्का सीधा चलो। हाँ रुक जाओ, उल्टा चलो, हल्का हल्का उल्टा, बस ठीक। फ्रेंड्स ये देखिए इसकी टाइमिंग की कैम की लोकेशन है। अभी मैं नीचे पुल्ली की दिखा देता हूँ। ये देखिए मुझे पंप की भी टाइमिंग आउट लग रही है, मैं आपको इसका निशान दिखाता हूँ पंप के साइड का। ये देखिए ये दो दाता आउट है और अब मैं नीचे की टाइमिंग देखता हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये देखिए नीचे की भी टाइमिंग हमारी, ये देखिए लाइट दिखाओ। देखिए फ्रेंड्स दो डाटा आउट है। तो फ्रेंड्स अभी तो मुझे गाड़ी के टाइमिंग पे ही डाउट हो रहा है, अभी मैं पीछे कैम की टाइमिंग देखता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए ये मेरी कैम की टाइमिंग तो ठीक लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले गाड़ी की टाइमिंग सही करते हैं और उसके बाद करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अभी हम गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट उतारते हैं। इसमें ये देखिए हमारा ये 14 नंबर नट लगता है, पर भाई साहब ने लग रहा है 13 नंबर नट लगाया हुआ है और 6 नंबर लंकी लगेगा। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम ढीला करते हैं। बोल्ट को भी ढीला करके निकाल लेते हैं।
ये देखिए अभी हम टाइमिंग को चेक करते हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद टाइमिंग को सही करते हैं क्योंकि टाइमिंग दो डाटा आउट है। और यहाँ देखो ये देखिए पूरा एडवांस पर है, तो इसको अभी हम सही करेंगे, बीच पे रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं, गाड़ी का बेल्ट उतारते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए तो अभी हम गाड़ी को लॉक करते हैं टाइमिंग पर, इसको करते हैं बीच में सेट, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर करते हैं टाइमिंग कंप्लीट, और उसके बाद करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स टाइमिंग बेल्ट उतर गया, चलिए अभी हम टाइमिंग मिलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप देखिए हम केम की टाइमिंग मिलाते हैं, ये हमारे देखिए केम की टाइमिंग की लोकेशन है, आप नज़दीक से दिखाओ, सॉरी क्रेन की। अभी हम इसको मिलाते हैं, ये देखिए इसका स्पेशल पुलर है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने देखिए यहाँ पुलर लॉक कर दिया है, अब मैं आपको ऊपर केम का पुलर दिखाता हूँ। इसको भी देखिए फ्रेंड्स हमने पंप को लॉक कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा पंप भी लॉक है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसके बाद अभी केम को बीच में करेंगे, ठीक है, इसका भी मैं स्पेशल पुलर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स पुल्ली को मैंने बीच में कर दिया है, अभी करते हैं गाड़ी में टाइमिंग और उसके बाद फिर करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे करा हमने देखिए इसकी टाइमिंग लॉक कर टाइमिंग पे कर दी है, ये देखिए इसका स्पेशल पुलर आता है, इधर दिखाओ, एक यहाँ कैम की लोकेशन है, एक ये लोकेशन है, और मैं आपको इंजन की लोकेशन दिखाता हूँ फिर से। ये देखिए ये इंजन की लोकेशन फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी इंजन की लोकेशन है, और कैम भी देख लेना चाहिए,
मैंने इसमें क्रैंक की भी टाइमिंग बनाई हुई थी। तो यहाँ देखिए हमारा ये केम खड़ा रहना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, केम पे निशान होता है, उसको मैं आपको थोड़ा नज़दीक से, ये देखिए ये केम का निशान है, इसको हमेशा खड़ा रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम करते हैं टाइमिंग को टाइट और फिर इसके बाद इंजन को चेक करते हैं स्टार्ट कर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए अभी हम वैक्यूम लगा रहे हैं इसमें। ये इसकी वैक्यूम की लोकेशन है। फ्रेंड्स ये देखिए वैक्यूम लग गया है, विकास भाई वैक्यूम को कस रहे हैं। अब इसके बाद एक बार स्टार्ट करके देखा जाता है गाड़ी का साउंड की क्या पोजीशन है। फ्रेंड्स अभी हम लॉक निकालते हैं इसका और करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखिए हमारा एकदम फ्री रहना चाहिए लॉक। अभी इसके बाद ये नीचे की लोकेशन है लॉक की, मैं आपको इसको दिखाया था, इसको निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये लॉक हमारा निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको टाइमिन की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी टाइमिन की लोकेशन है। तो अभी हम गाड़ी में देखिए लगा रहे हैं एयर कीना और बैटरी और चेक करते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इंजन का आप साउंड देख ही रहे हैं। अभी मैं इसकी नाजिल चेक करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी नाजिल देखिए बैक है, पहले नाजिल मैं सही कराता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी नाजिल चालेक्स है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले मैं गाड़ी का नाजिल सही कराता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को। ठीक है फ्रेंड्स, रोको। फ्रेंड्स मुझे अभी गाड़ी के नाजिल पे डाउट हुआ है, तो अभी हम गाड़ी की एक नंबर की नाजिल चेंज करते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को फिर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद गाड़ी का हेड खोलेंगे और देखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक नंबर की नाजिल इसकी डायरेक्ट है। फ्रेंड्स आपने देखिए गाड़ी में अभी तीन नाजिल ये बनवा कर मंगाया हुआ है, और ये गाड़ी की देखिए तीनों पुरानी नाजिल है। अभी हम गाड़ी में लगाते हैं, इसके बाद सेल्फ मार के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक साथ लगाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए गाड़ी में नाजिल लग गया। अब इसको टाइट करके पहले स्टार्ट करके चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मत लगाओ। रुक जाओ,
हेलो, रुक जाओ। चलो रुक जाओ। फ्रेंड्स देखिए गाड़ी में तेल चढ़ गया, अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करो। एक्सीलेटर ले लेना। काट के फिर से करो। एक्सीलेटर छोड़ो, गलत दबाए रहो। तो फ्रेंड्स अभी देखिए साउंड तो कुछ सही हो गया है, पर गाड़ी के इंजन में दिक्कत है। तो अभी अगर साउंड देखते हैं सही हो जाता है, नहीं तो गाड़ी की जो हेड बाल का वो होता है आपके गैसकेट के बीच में गैपिंग, वो टेक ले रहा है, क्योंकि अभी पूरी टाइमिंग ओके है, नाजिल ओके है, फिर भी आवाज़ टकटका रही है। स्टार्ट करो, गाड़ी राउंड भी ले रही है हमारी, जैसे काफ़ी आवाज़ भी है। लेटर लिए रहो, देखिए अभी भी गाड़ी में थोड़ी आवाज़ कर रही है, जो कि मैंने गाड़ी की टाइमिंग और नाजिल तीनों ही सही करा दिया है। तो अब फ्रेंड्स 101% इसके इंजन में दिक्कत है, जो हमारे मिस्त्री भाई ने बांधा है इसमें, या तो इसकी गैसकेट पतली लगी हुई है, या फिर आपका वाल के पिस्टन में दिक्कत है, जो मार्केट पर पिस्टन लगा है उसमें दिक्कत है। एक्सीलेटर छोड़ो। देखिए फ्रेंड्स आइडियल पे हमारी गाड़ी चल रही है, पर जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चल रही है। इसको जिस तरीके से चल फ्रेंड्स, हमने देखिए इसमें तीनों नाजिल ओरिजिनल डलवा दिया है और टाइमिंग ये गाड़ी की सही कर दी है, पर अभी भी एक्सीलेटर गाड़ी में दिक्कत है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारे मिस्त्री भाई ने पिस्टन डाला हुआ है और गैसकेट वो आफ्टर मार्केट डाला हुआ है, तो फ्रेंड्स इसके हेड में या पिस्टन के जो ठोकर में होता है उसमें दिक्कत है, क्योंकि टाप हमारा टेक ले रहा है, इसके कारण एक्सीलेटर पे वो ठोकर आवाज़ कर रहा है। आगे की गाड़ी सही चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की हमारी यही टॉपिक थी। मैं सलीम नसीम मोटर वर्कशॉप बनारस। फ्रेंड्स अब हम इसका इंजन खोलते हैं और मैं आपको इंजन की वीडियो डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स।